हाउस बोट की सुबह सुबह से आप सबको गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, निकलने लगे हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बीती रात? अल्हम्दुलिल्लाह सो गया, होश नहीं रहा। ये इतने ज्यादा सो गए थे कि इन्हें सच में होश नहीं था, लेकिन 4 बजे के आसपास मुझे ऐसा लगा हल्की हल्की हिल रही थी। क्या हिलेगी? बोट। अरे नहीं, मजाक नहीं। अरे हवा चल रही होगी ना फजर के टाइम पे, हो सकता। खैर अभी हम निकलते हैं यहाँ से। ये है मेरा आज का आउटफिट, बाहर दिखाते। तो ये है फ्रेंड्स एक किस्म से हमारा हाउस बोट का डाइनिंग एरिया। आपको उधर ही आना है, जो भी आपको खाना है। रूम में कुछ नहीं बस, लेकिन भैया अच्छे थे तो हमें रात में चाय बना के दे दी। फ्रिज में भी रखा होगा सब कुछ, लेकिन लिखा है पे फॉर ड्रिंक्स। कुछ भी पीना है ले लो, लेकिन पैसे भी दे। और बस अभी हम लोग निकलेंगे कहाँ के लिए? गुलमर्ग के लिए। कश्मीरी फील बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं वुड से अलग कश्मीरी फील आता है। और फिर ये जो देखो, हर चीज में, पर्दे में, इसमें, सब में आप देख सकते हैं कश्मीरी कढ़ाई है। इधर तक कश्मीरी कढ़ाई का डिजाइन, ये देखो कितना अच्छा डिजाइनिंग दिया हुआ है। हाँ, ये कार्विंग जो है वुड पे, ये भी कश्मीरी आर्ट ही है। और सबको अपनी चाबी दी हुई है, रूम का अलग अलग नाम दिया हुआ है यहाँ पे सबके अलग अलग रूम्स। वॉशरूम बहुत अच्छे दिए रहते हैं, जितना आप उम्मीद भी नहीं करोगे उतने अच्छे, लेकिन ये कभी यूज नहीं होता। ये जो टब दिया रहता है ना, इतना टाइम ही नहीं होता कि आराम से इसमें लेट के इंसान। भैया सर्दियों में कौन यूज करेगा टब? अरे गर्म पानी भी तो आता है। सबसे बेस्ट तो ये कश्मीरी कारपेट्स। हम एक शॉप पे गए थे, वहाँ कितने कितने से नहीं ओरिजिनल वाले, 45,000। मैंने कहा जल्दी भागो यहाँ से। It was so nice meeting you and talking to you. Thank you. We'll see you again. Take care. Bye bye. Bye. और हम निकल गए हैं अपने आगे के सफर के लिए। मजा आया बेटा? ये क्या कर रहे हैं? जैसे अपने यहाँ खाद होती है ना, वैसे ये जमीन में काम आता है। ये जैसे टमाटर सब्जी उगाना है, खेत में डालना है, उसके लिए काम आता है। टर्बुलेंस। चलो भाई गाड़ी भी हमारी आ गई, तो अभी हम निकल गए हैं गुलमर्ग के लिए। अभी यहाँ से 2 घंटे की हमारी जर्नी हो रही है और 65 किलोमीटर है। श्रीनगर का हाजा उसे खाने पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए। तो हमने भी फोन को भी यहाँ पे अपने चाचू से लगा दिया। छोले भटूरे भी लिए, पूरी बात, आलू प्याज का पराठा। क्या ये फोन? ये अपने आप की हर वक्त देसी जुगाड़ भी काम नहीं करता। फोन को जो ऐसे लगा देते हैं ना, तो ऐसे ना करें। तो ये आ गया आलू प्याज का पराठा। आपका नाम क्या है? नदीम। कहाँ से आप? कश्मीर। ये देखिए सभा का जहाँ ये है, सब्सक्राइब कर दिया आपने। मतलब लाइफ में पहली बार मुझे सब्सक्राइब किया, बहुत शुक्रिया। बड़ा भारी है एक सब्सक्राइबर। मोहब्बत है। अच्छा खाना खिलाया आपको, पराठे बहुत अच्छे थे। दूसरा दोबारा आइए फिर आपके पास। अच्छा आपने मोहब्बत से खिलाया, फिर वेलकम वेलकम इंशाल्लाह। ये अभी हम लोग तनमर्ग में, आपका नाम क्या है? मंजूर भाई सर। तो ये मंजूर भाई हम ऊपर लेके जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं आगे क्या है। ये रोड वो है, यहाँ पे हम ट्रैकिंग से निकलते हैं। तो गुलमर्ग के रास्ते फ्रेंड्स, ऐसे अगर आप यहाँ पे गाइड ले लेते हैं, जैसे ये हमने भाई को लिया है, तो वो हमें हर जगह दिखाते जाएंगे कि बीच में कौन सा फोटो पॉइंट है, क्या है। हम तो अभी से थक रहे हैं, चढ़ाई चढ़ के जाना है, ऊपर जाना है टॉप पे। अच्छा है जूते पहने हुए हैं। ट्रैकिंग पे कहाँ से जाते हैं? कैंपिंग पे। कैंपिंग पे, कैंपिंग पे, ट्रैकिंग पे भी और कैंपिंग पे भी जाते हैं। आप भी गए? बहुत बार गया हूँ। अच्छा लगता होगा? बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन उसमें इंसान को एकदम फिट होना चाहिए। चलो ऊपर, चलो ऊपर ऊपर ऊपर, सांस फूल ले, चलो भाग के, चलो भाग के भाग के भाग के, और तेज शाबाश। लेकिन आके जो व्यू दिख रहा है तो आना वसूल हो। आप थके ही नहीं? हम लोग को भी बताइए, हम लोग क्या खाए? आदत है। आप लोग को ज्यादा आदत रहता है गाड़ी से इधर बैठना, इधर से वापस आना। सही बात है, सही। कुछ हो गया है किसी को, कुछ हाइट से ना चक्कर आ गया है। जी सर, जिस हाइट की वजह से। और ये देखिए वैली, यहाँ ये पूरी बर्फ,
ये देखिए हमें जाना कहाँ पे, वो आपको रोड दिख रहा है ऊपर, हम चल रहे हैं नीचे आधा वहाँ कह रही है एक दूसरे का सहारा। तो मैंने कहा हमारा जिंदगी भर का सहारा है एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने का, बस नीचे आ गए। और आगे चलोगी वहाँ पे, वहाँ पे आओगी, आओ उधर से आगे मत जाना, आगे कुछ नहीं है, ये है बस। वो लोग ऐसे कैसे ऊपर चढ़ गए वो लेके, वो और वो क्यों क्या लेने गए? बकरी है ना ऊपर। तो जी आ गए हम होटल अपने, हिल टॉप ही है, चलते चेक इन करते हैं। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके थे यहाँ पे 1 बजे, लेकिन 1 घंटे के वेट के बाद हमें यहाँ पे रूम मिला। इतना ज़्यादा रश है और टाइमिंग ही 2 बजे का होगा, तो हमने वेट किया बहुत देर, कोशिश की व्लॉग अपलोड हो जाए लेकिन अपलोड नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा। फिर अम्मी बार बार परेशान हो रही थी, अम्मी का कॉल आया, भाभी का कॉल आया, उन्होंने न्यूज़ में देख लिया कि अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली NCR पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर हर जगह 5.2 जो स्केल का ना अर्थक्वेक आया है। तो घर वालों के तो आप जानते ही बहुत फिक्र करते हैं जब बच्चे बाहर होते हैं, तो उन्होंने कहा बस अब आ जाओ आ जाओ। तो खैर हम लोग को पता नहीं चला, हो सकता है हम लोग उस वक्त सफर कर रहे हो या जो भी है, खैर अल्लाह सबकी हिफाजत करे। हाँ बस अल्लाह सबकी हिफाजत करे। हम इस वक्त होटल हिल टॉप में जो कि है गुलमर्ग में, और अभी थोड़ी देर रेस्ट किया है, व्लॉग अपलोड किया है, और अभी चलते हैं बाहर घूमने, कुछ खाएंगे और उसके बाद फिर घूमेंगे और आप सबको भी घुमाएंगे। कश्मीर और कश्मीरी वाला गेटअप ना हो तो फिर बेकार है। तो देखिए फुल ऑन ब्लैक कश्मीरी गर्ल, कश्मीर की लड़कियों जितने प्यारे तो नहीं लेकिन उनकी तरह कपड़े तो पहन सकते। नहीं तो उतनी ही प्यारी हूँ, चलो ट्रिप से चलेंगे बाहर। आ गया ग्राउंड फ्लोर में और कावा पिया था यहाँ की कश्मीरी का, जिसमें हल्का सा स्वीटनेस होता है, केसर होता है और बादाम होते हैं, बहुत यम्मी था वो। देखेंगे कैसे बनाते हैं, हम भी बनाएंगे। ओ तो यहाँ पे बुफे है, प्लेट उठा लेते हैं पहले। पालक पनीर, पनीर बटर मसाला, पनीर मलाई, तुम ही देख लो क्या बनाना है, ठीक है? ये कितना शानदार व्यू आ रहा है और ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। और ये देखिए सब अपने घर में बात कर रही है, और कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, आप खुद देखिए, आप लोग सामने ये देखिए। और ये रहा हमारा सामने से होटल का व्यू, ये देखिए सामने से घोड़े भी जा रहे हैं लोग, यहाँ से घोड़े भी राइड कर रहे हैं। फ्रेंड्स आपको ये दिखा दूं कि बाहर लॉन कितना अच्छा है, कुछ ना करना हो और सिर्फ सुकून से बैठो, लेकिन हम एक दिन के लिए यहाँ आए तो हमें वो सारी जो वादियाँ हैं, वो सारा ग्रीनरी है जो हम आज कर सकते हैं वो भी करना है। अच्छा इस पे जाएंगे हम? जी जी मैंने चलाऊंगी। स्टार्ट हो गई हमारी राइड, चले आ जाइए आ जाइए। ये सामने वहां से गंडोला गाइड है ना, वो जा रहा ऊपर। गुलमर्ग में फ्रेंड्स हमने ATV राइड में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अच्छा आप सब ने कहा था कि गंडोला राइड पे जाना, वहाँ पे जाना, लेकिन फर्स्ट टाइम अभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई है। ये देखिए आर्मी के ये कैंप थे यहाँ पे अंदर, वो लोग रहते हैं, तो आपको भी मैंने सोचा सब कुछ बताती जाऊँ। धीरे धीरे फ्रेंड्स मुझ में और ज़्यादा हिम्मत आएगी, पहली बार इतनी दूर गई थी यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बीच बीच में मुझे घबराहट भी हुई है लेकिन मैंने इतना शेयर नहीं किया क्योंकि रास्ते थोड़े ऊपर नीचे थे। ATV में ना हमने पूरा आसपास का एरिया देख लिया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मौसम भी बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और यहाँ पे जगह जगह पे लोग इकट्ठा थे, फोटोज ले रहे थे, वीडियोस ले रहे थे। फॉलो कर लूंगी आपको, बहुत अच्छी राइड कराई आपने, बहुत अच्छा फोटो बहुत अच्छी खींची इन्होंने भी, सारे सारे भाई भाई है सारे अच्छे। तो अभी हमारी राइड आधी हो गई है, अभी यहाँ पे कोई फोटो पॉइंट है तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। आ जाओ कैमरामैन, कैमरामैन खालिद नियाज के साथ सबा इब्राहिम, सबा के जहाँ तक। हाँ सबा के जहाँ तक। मैगी भी खाएंगे आज यहाँ की, तुम्हें पहाड़ों की मैगी खानी। हाँ। अगर कोई चीज़ अच्छी है दुनिया में जो आप आज से देख सकते हैं, और आप ये सोच सकते हैं कि ये सच कैसे हो सकता है,
क्या ये वही दुनिया में है जहाँ हम रहते हैं? तो आप यहाँ आइए और आप देखिए, शायद कैमरा में इतना नहीं दिखा पाएंगे लेकिन कैमरा में दिखाऊं वो देखिए सामने आ गया। बस संभाल के, नहीं नहीं मैं बहुत ठंडा है। ये बता रहे हैं कि ये बर्फ का पानी जो है वो बह के आ रहा है, ये बहुत ये कहाँ से आ रहा है पानी? सर ये बर्फ से आ रहा है, पूरा स्नो मेल्टेड वाटर है। ये जो आप माउंटेन देख रहे हैं उनका पानी, ये मजा इधर कुछ नहीं है ऊपर, इधर वहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्ट्रॉबेरीज पोटेटोस वहाँ पे। अच्छा अच्छा, पोटेटोस हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरी भी लगी होंगी वहाँ। स्ट्रॉबेरीज की नेचुरल ग्रोथ होती थी ब्रिटिश टाइम में, अभी जब भी होगी ना अभी नेचुरल निकलती है। तो यहाँ तो अब हो गया, अब हम चलते हैं दूसरी लोकेशन पे। ठंडा पानी देना, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा पानी है फ्रेंड्स। आप छू सकते हो तो आपको लगता है कि जैसे फ्रिज की ठंडी बॉटल निकाल के डाल लो, उससे भी ठंडा, उससे भी ठंडा। अभी ये लोकेशन देखो, आपको दिखा दिए, मजा आया होगा उम्मीद करते हैं। हमने थोड़ा ज्यादा मजा किया लेकिन 50% तो आपको भी आया होगा। अभी चलते हैं दूसरी लोकेशन पे। ये रही हमारी फ्रेंड्स, आपको पता है वहाँ के जो डॉग्स थे ना, आप देख सकते हैं इतने मोटे मोटे थे, इतने क्यूट से शीप की तरह, उनकी खाल इतनी मोटी एकदम बाल वाली, और जिस नज़ारे पे आप नजर डालें वो खूबसूरत था। चलो ये लोग कह रहे चलाओ तो मैं एक बार चला के देखती हूँ थोड़ा सा। कश्मीर वैली दिखेगा, असल वो भी जा रहे हैं कश्मीर वैली की तरफ। ये जो कश्मीर वैली थी एकदम हाइट पे थी, और यहाँ पे आके मुझे सच में बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। आगे आप रोड देख सकते हैं कितनी पतली है, साइड में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और एक साइड बहुत बड़ी खाई। मैंने बस जिद करना शुरू कर दी, वापस मुड़ लो वापस मुड़ लो, लेकिन इन्होंने कहा कुछ नहीं होता, चलो आप हम पे यकीन रखो, हम दिन भर यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं, कुछ नहीं होगा, चलो चलो। तो बस अल्लाह कर करके मेरा वो सफ़र कटा। फिर जैसे ही हम यहाँ से उतर के नीचे आए तो फिर बाहर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत अच्छा लगा। बस उतनी देर के लिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। अच्छा, ATV राइड कितने का हुआ था आपको बता दूँ, तो एक घंटे के लिए 2000 रुपये था एक ATV का। और ये देखिए रहा गुलमर्ग का पुलिस स्टेशन। ATV राइड कर ली और अब थोड़ा पैदल पैदल भी तो घूमेंगे, ना खाया है तो हजम भी करेंगे ताकि फिर कुछ और खा सके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गाड़ियाँ चलने के लिए रोड है और साइड में हॉर्स के लिए रोड बनाया गया है। बेचारे घोड़े जो है सबको ले लेके जाते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग चलते चलते आ गए हैं 1.5 किलोमीटर की पहाड़ वाली रास्ता, और वो सामने दिख रहा है मार्केट। ये पूरी है फ्रेंड्स गुलमर्ग की मार्केट। तो यहाँ पे देखिए गर्म कपड़े भी मिल जाएंगे आपको, खाने का भी है, मैगी वैगी सब। अच्छा बनाया। आ चुके अपने होटल वापस, और यहाँ देखो मिरर कितना अच्छा है एंट्रेंस पे पूरा। फ्रेंड्स 7:30 बजने वाला है फिर भी बाहर उजाला है। फ्रेंड्स देख लीजिए, ये 2 दिन में परेशान हो गया मुझसे मेरे साथ रह के। सब झूठ बोला जा रहा है, इसको पढ़ना है नमाज, तुम नमाज पढ़ के तुम नीचे आओ। हमने आपसे क्या बोला कि जब चल रहे नीचे तो एक काम करते हैं, मगरिब होने वाली पढ़ के चलेंगे। आपने क्या बोला, तुम पढ़ो मैं जा रहा हूँ अकेले। और उसके बाद क्या बोला, उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मैंने किया ऐसे करके, लेकिन सब कोई जानते हैं कि मैं कभी भी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। तुम ज्यादा से तुम्हारी बातों में कोई नहीं आने वाला, सुनो मेरी बात। लेकिन तुम अकेले रह के क्या 2 दिन में परेशान हो गए मेरे साथ? चाहे अगर कसम भी खाओगी ना कि सनी ऐसा कर रहा है, दुनिया नहीं मानेगी। कोई बात नहीं करती, मानेगी। ऐसे कैसे मानेगी, पूरा टाइम जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, दिमाग में चलो मेरा, ठीक है? मुझे लग रहा 8 भी बज जाएंगे और ऐसे ही उजाला रहेगा। ये बहुत नई चीज मुझे देखने मिली है। तो अभी नमाज हो चुकी है, अब जाएंगे नीचे, थोड़ी देर फोन रख के इंजॉय करेंगे और मौसम का मजा लेंगे। लेकिन एक चीज आपके साथ शेयर करनी थी, वैसे तो कहते हैं कि अल्लाह जो है वो हर जगह है, लेकिन नेचर के करीब जब आप होते हो ना, ऐसा जब कुदरत का करिश्मा देखते हो इस तरह का, तो ऐसे आप अल्लाह को अपने और करीब महसूस करते हो, ये मैंने फील किया। ये पूरे घर भर के लिए, पूरे मोहल्ले के लिए होगा। कभी कितना बड़ा देख मारिए सनी को, बाहर ठंडी लग रही थी। आज कितना टेम्परेचर है, 11? 11। चलो फाइनली तुम्हें ठंडी तो मेरी कश्मीर में आके, वरना फिर कश्मीर रहने के मतलब पैसा वसूल हो गया हमारे। अभी टाइम हो रहा है 9:30 और 10 बजे डिनर के लिए यहाँ पे बंद कर देते हैं, तो अब हम जा रहे हैं डिनर करने।
नेक्स्ट डे हो चुका है फ्रेंड्स, 6:34 हो चुका है। हम लोग जल्दी निकलेंगे पहलगाम के लिए। तो रात भर यहाँ पे हुई है बारिश, आज बहुत तेज बहुत बारिश थी, गरज रहा था और मैं रात भर सो नहीं पाया इसकी वजह से, क्योंकि डर रही थी और लाइट भी हमारे होटल की चली गई थी। और एक लड़की चुरा के लेके जाती है, हर होटल में जहाँ जाती है, जहाँ भी जाएगी यहाँ से ये उठा के क्यों लेके जाती हो तुम? ये यादगार रहेगा, ये होटल का नाम लिखा है डेंटल के थे और इसमें कंघी है तो काम आएगा। गुलमार्ग को इस वक्त कहते हैं हम अलविदा और निकलते हैं पहलगाम की तरफ। ये था फ्रेंड्स हमारा रूम, बस अभी आया। इस वक्त लग रहा है सब लोग सो रहे हैं लेकिन हम जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज्यादा मसला। अगर आप फंसे ना तो फिर आप फंसे ही रहते हो। रात में फ्रेंड्स तूफान आया था, देखो ये सब कुछ गिरा पड़ा हुआ है। रास्ते में हम रुके यहाँ का सबसे फेमस कावा पीने के लिए और कावा लेने के लिए भी। और ये है स्पेशल कश्मीर का कश्मीरी बटर रोटी या फिर शीरमाल, इसे वो कावा के साथ खाते ब्रेकफास्ट में, बहुत ही यम थी। ये है कावा। कावा का मतलब पता है, कावा को कावा क्यों बोलते हैं? कावा का मतलब होता है 11 मसालों का चाय, अगर घर में 2 कप बनाओगे इतना सड़ा होगा। कावा लगता है कभी खांसी होगा, बुखार होगा, जुकाम होगा, सर्दी होगा, सर दर्द होगा, गला खराब होगा, उसके काम आता है। या अगर वेट लॉस करना है फिर मीठा नहीं डालना है, नींबू डालना। तो हमने कावा का पाउडर ले लिया, साथ में कटे हुए बादाम ले लिए हैं, ये भी उसी में डालते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है और हेल्दी भी रहता है। उन्होंने जो बनाया था बहुत ही अमी लग रहा था, उम्मीद करती हूँ जब मैं घर पे बनाऊंगी वैसे ही बनेगा। कावा तो पी लिया और ले भी लिया है, अभी केसर ले लेते हैं। पीछे काटो इसको, अगर चबाने से मीठा लगेगा तो वो केसर नहीं है, हल्का सा बिटर टेस्ट आना चाहिए, कड़वा लगना चाहिए। तो हमने यहाँ से केसर ले लिए है बहुत सारी, क्योंकि वैसे भी सबके लिए अच्छी होती है। और दूसरी बात यह है कि कहवा में भी डालना है और भाभी को भी देना है, उनको भी आगे बहुत ज्यादा काम आएगी। इलायची की खुशबू इतनी अच्छी थी इनकी तो हमने इलायची भी ले ली। और ये इन्होंने दिखाया है यहाँ के सबसे अच्छे फेमस सबसे हेल्दी मामरा बादाम, ये दिखा रहे थे कि इसके अंदर कितना ऑयल है, ये कितना हेल्दी है, ये बहुत अच्छा रहता है और कहवा में भी ये डाल सकते। तो फिर हमने मामरा बादाम भी ले लिए हैं। ये रही कश्मीर विलो बेड की शॉप, अंदर देखते हैं बेड और एक अच्छा सा बेड लेते हैं अपने लिए। नहीं इनकी फैक्ट्री और फैक्ट्री में जाके देखते हैं बेड अंदर, ये देखते हैं यहाँ बन रहे हैं बेड। कौन सा लूं? टाइम क्यों लगा? टाइम अंदर गया था। आपको तो अच्छा लगा। ये वाला लेते हैं, ये वाला। हैप्पी, चलो। एप्पल वैली आ गए, हम अभी जा रहे हैं उसके रास्ते में, एप्पल वैली आता है। जिंदगी में पहली बार एप्पल ऐसे लगे हुए देखे। हम सुना करते थे जो आते थे हमारे भोपाल में फेरी वाले भैया कश्मीर से, वो बताते थे उनके यहाँ पे लगे हुए हैं, बस वैसे बताते थे और हम सुनते थे। अच्छा ये लगा एप्पल, ये लगा है। अरे अब ये छोटे हैं, पकेंगे इंशाल्लाह फिर आएंगे आपके यूपी मुंबई हर जगह। सही है एप्पल छोटा है क्या? अभी बेचारा। तो फाइनली हमने एप्पल वैली भी घूम लिया और ये लगे हमारे सामने एप्पल, ये लगे हैं। ना बहुत सारे कश्मीरी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आप यहाँ भी जाना, यहाँ भी जाना, तो उन्होंने इसमें से एक कोई भाई ने बताया कि एप्पल वैली भी जाना। बस ये कि एप्पल अभी अभी बच्चे हैं, जब बड़े होंगे इंशाल्लाह तो फिर आएंगे। और जैसे जैसे ही हम लोग ने एंटर किया तो वहाँ दरवाजे में उन्होंने डोर में वहाँ पे फर्जी वाले मतलब लाल लगे कश्मीरन। चलो हम आपको अच्छा अच्छा सेब खिलाएगा लेकिन उसके लिए आपको दोबारा आना पड़ेगा अब्दुल खान तो खिलाएगा। हमारे घर में हमारा मम्मा जलेबा वाले देख रहा है वीडियो, अभी बताया उसने कि हम और पापा तुम्हारा जलेबा वाला वीडियो देख रहा है और सबा को जो तुम ट्रक में ऐसे उठा के चढ़ा रहा है ना वो भी देख रहा है। अब शरमाया का नहीं चलेगा, सासू माँ तुमका इंतजार कर रही है घर में। चलो प्लीज चलो। सही में लगे, सही में एप्पल लगे हैं यार, ये बने, ये सच लगे हैं। अलग ही टेस्ट है यहाँ के एप्पल का,
बहुत जूसी है, बहुत जूसी और मीठा। ये आपका बाग है क्या? ये किसका है? सेब का। खूबसूरत लगता होगा जब एप्पल लगते होंगे ना पूरे में। अभी यहाँ से पहलगाम कितना दूर है? 10 किलोमीटर। अच्छा, बड़े बाल वाले जो है ना, ये पहाड़ी बकरे हैं ये। हाँ जी, अब इससे अच्छा कुछ भी नहीं देख सकते तुम। कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं देख सकता। आप मतलब आप कश्मीर हमारी आंखों से देखिए और ये सब नेचर देखिए। मजा आ रहा है, सुकून है, सच में मुझे लग रहा है यही बस जाओ भैया। लेकिन घर वाले सब क्यों उधर हैं? वरना घर वाले घर से निकाल देंगे। ऐसा लग रहा है घर वालों को कब यहाँ पे लेके आओ। और ये पहलगाम से ही फ्रेंड्स जो अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है वो यहाँ से ही स्टार्ट होती है। तो देखिए यहाँ पे हर जगह जगह पे आपको बोर्ड्स दिखेंगे वेलकम यात्रीज करके, क्योंकि यात्रा जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। इसीलिए यात्रा की यहाँ पे बहुत सारी तैयारियां भी चल रही है। पहुंच गए हैं पहलगाम फ्रेंड्स फाइनली। इसके आगे का व्लॉग आप नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा। अगर फिरदौस बरोजे जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। अच्छा, अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके आगे का व्लॉग भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। अल्लाह हाफिज़।